नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं सिर में खुजली क्यों होती है। आइए जानते हैं इसके कारणों को और खुजली को दूर करने के लिए आसान से घरेलू उपायों के बारे में। आज के एपिसोड के माध्यम से आप सभी पूरा एपिसोड अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। क्या आपको भी अक्सर सिर में खुजली की समस्या होती है? जी हाँ, सिर में खुजली के कारण कई बार आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। क्लासरूम में, ऑफिस में या मीटिंग में बैठे बैठे जब आप बार बार अपना सिर खुजाते हैं तो सामने वाले पर आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर सिर में खुजली की समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे साफ सफाई की कमी, तेल या शैम्पू से हुई एलर्जी, इन्फेक्शन, जुएं इत्यादि। आइए आपको बताते हैं कि सिर में होने वाली खुजली में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन घरेलू नुस्खों से इस खुजली से आपको राहत मिलेगी। जी हाँ, सबसे पहले तो जानते हैं क्यों होती है सिर में खुजली। सिर में खुजली का सबसे आम कारण डैंड्रफ होता है। फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण के कारण सिर की त्वचा प्रभावित होती है और खुजली होने शुरू हो जाती है। इसके अलावा जुओं के कारण सिर पर गंभीर खुजली हो सकती है। आपको सिर की त्वचा में नमी की कमी से रूखापन, स्वच्छता की कमी और केमिकल वाले हेयर केयर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से भी खुजली की समस्या आपको हो सकती है। सिर में पसीना आने के कारण भी खुजली हो सकती है। इसके अलावा तनाव और खान पान की गड़बड़ी से भी खुजली की समस्या आपको हो सकती है। अब इसका उपचार क्या है? जी हाँ, इसको कैसे आसान से होममेड रेमेडीज के द्वारा दूर कर सकते हैं ये जान लीजिए। नींबू का रस बालों के लिए अच्छा होता है। हाथ में नींबू का रस लेकर के इसे सिर और बालों में मलें और कुछ मिनट बाद बालों को सादे पानी से धो लें। इससे खुजली दूर हो जाएगी और बाल मजबूत भी आपके हो जाएंगे, साथ ही साथ डैंड्रफ गायब हो जाएंगे। इसके अलावा सिर पर एलोवेरा जेल लगाएं और 15 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। सिर की खुजली इससे दूर हो जाती है। इसके अलावा लेवेंडर का ऑयल, यूकेलिप्टस तेल, कैमोमाइल ऑयल सिर में खुजली के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक घरेलू उपचार हैं। पानी के साथ इन तेलों का एक मिश्रण सिर में खुजली को राहत दे सकता है आपके, बस इसको लगाना है आपको। इसके अलावा सिर में खुजली के लिए जैतून का तेल, मार्गासा तेल, नारियल तेल और टिट्री ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं आप। जैतून का तेल और बादाम के तेल का एक मिश्रण रूसी के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में कार्य करेगा। बस आपको फिंगर्स पर लेकर के और बालों की जड़ों में इसको अच्छे से लगाना है, मसाज करना है, ताकि आपके हेयर की ग्रोथ भी अच्छी हो और हेयर फॉल भी रुक जाए, यानी कि बालों का झड़ना भी बंद हो जाए। सोने से पहले बालों को 5 से 6 बार कंघी करना सिर की त्वचा में रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। इसकी वजह से भी आपको लाभ होता है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये आप हर रोज उपाय अपना सकते हैं। खुजली से बचाव के लिए खान पान में क्या कर सकते हैं बदलाव, ये जान लीजिए। विटामिन बी, विटामिन सी, जिंक और आयरन से भरपूर भोजन से इन्फेक्शन और एलर्जी की समस्या दूर होती है। इसीलिए अगर आपको खुजली है तो अपने आहार में पालक, सलाद, दाल और रंगीन सब्जियों को शामिल करें। इन आहारों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ही इनमें मौजूद तत्व आपके त्वचा और बालों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा केमिकल युक्त को ना कह दें। जी हाँ, अगर आप बालों पर केमिकल वाले शैम्पू, कंडीशनर या क्लींजर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें तुरंत बंद कर दें। केमिकल युक्त प्रोडक्ट के बजाय प्राकृतिक प्रोडक्ट्स या घरेलू उपायों का प्रयोग करें जिनमें केमिकल बिल्कुल ना हो। केमिकल युक्त प्रोडक्ट बालों को रूखा कर देते हैं। बालों में अधिक रूखापन होने की वजह से भी डैंड्रफ की समस्या पैदा हो जाती है। इसके अलावा पर्सनल चीज़ों को न करें किसी के साथ शेयर। बालों और सिर की त्वचा की समस्या समय समय पर किसी अच्छे और मुलायम हर्बल क्लींजर से साफ सफाई करने पर ठीक रह सकती है। डैंड्रफ से बचने के लिए बालों को साफ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा तकिए के कवर, कंघे, टॉवेल इत्यादि को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अपनी इन सभी चीज़ों को किसी और के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही दूसरों की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों स्थिति आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। जी हाँ, तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए जो कि हेयर के केयर से रिलेटेड रहा। कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य कीजिए ताकि
ऐसी अन्य नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अब आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।